भारत आज खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ बल्कि अन्य देशों को भी निर्यात करने में सक्षम हुआ है। जहां आज हम 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या को छू चुके हैं, वहीं खाद्यान्नों से हमारे गोदाम भी भरे पड़े हैं। इसका सीधा श्रेय कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी एवं प्रगतिशील कृषकों को जाता है, जिससे उत्पादन तो कई गुना बढ़ा ही, अपितु कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर अपनाने का चलन भी प्रारंभ हुआ। कृषि विज्ञान, तकनीकी एवं सूचना प्रसार को कृषकों तक पहुंचाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य के कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में कार्य किया है। अधिक उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को लगातार 2 वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार धनराशि 1 करोड़ व 5 करोड़ मिलने पर माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड सरकार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक, अधिकारी और कृषकों के बीच अच्छा तालमेल स्थापित हुआ है। ऊधम सिंह नगर जिले में कृषि विभाग ने स्वच्छ एवं उन्नत कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई परियोजनाओं एवं प्रकल्पों को जिले में किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पूर्व की पंचवर्षीय योजना में अनुभवों और प्रदर्शन के आधार पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 13 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन में अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया, जिसमें चावल 5 मीट्रिक टन, गेहूं 3 मीट्रिक टन, दलहन 3 मीट्रिक टन एवं मोटा अनाज 2 मीट्रिक टन की पूर्ति वर्ष 2019 और 20 तक करने हेतु लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। आइए देखते हैं योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। कम उत्पादन एवं उच्च संभावित जिलों का चयन कर खाद्यान्न फसलों की खेती, फसल चक्र केंद्रित कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉक होल्डर के साथ विभिन्न स्तरों में सक्रिय भागीदारी, क्लस्टर दृष्टिकोण से फसल उत्पादकता में वृद्धि, दलहनी फसलों का खाद्यान्न तिलहनी फसलों के साथ सह फसलीय के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत तकनीकी के बीज, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि यंत्र वितरण, प्रदर्शन प्रशिक्षण आदि की सहायता से उत्पादन लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति और मौसम की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रबी मौसम की फसलों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। बीमा योजना के अंतर्गत क्षति का मूल्यांकन एवं निर्धारण करने के कुछ मुख्य बिंदु हैं। फसल पैदावार के आधार पर बुवाई न हो पाने की स्थिति में स्थानीय आपदाओं में क्षति का आकलन, कटाई उपरांत फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण। जिले में किसानों के लिए सरकार की यह योजना वरदान साबित हो रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिले के कई क्षेत्रों में जहां गौण और सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है और क्षेत्र के किसानों को निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि कृषक अपने खेतों में पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग कर सके। इसके साथ ही साथ क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गाँवों में PGS सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जैव कृषि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैव खेती की जानकारी के लिए कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसानों तक कृषि की नवीनतम जानकारी पहुंचाने के लक्ष्य से कृषि प्रसार सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 तक आत्मा मॉडल को क्रियान्वयन किया गया। वर्ष 2014-15 में आत्मा योजना को राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन NMAET में सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि एवं कृषकों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना की घटक योजना, सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ एक्सटेंशन रिफॉर्म्स आत्मा योजना में संचालित मुख्य गतिविधियां जैसे कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, किसान मेला, कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठी, कृषक पुरस्कार, फार्म स्कूल एवं कृषक समूहों के क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं आवश्यकता अनुरूप रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य किसानों में जागरूकता लाना है तथा नई तकनीकों का कृषि एवं रेखीय विभाग के माध्यम से प्रचार व प्रसार करना है। आत्मा योजना एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से एक ही मंच पर कृषि वैज्ञानिक, कृषक एवं रेखीय विभाग के अधिकारीगण एकत्रित होते हैं, जिससे एक ही समय पर कृषकों को विभागीय योजनाओं एवं नई तकनीकी की जानकारी की प्राप्ति होती है। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। राज्य की कृषि में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना संचालित की गई है। यह योजना भी 90% केंद्र तथा 10% राज्य पोषित द्वारा संचालित की जाती है, जिससे जनपद स्तरीय कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर यथा रोटावेटर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, हैरो, मल्चर आदि यंत्रों पर अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्षेत्र के अनुरूप भिन्न भिन्न है। इन्हीं विविधताओं के अनुसार सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना, जल स्रोतों का एकीकरण आदि संकल्प के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यशील है, जिससे उत्तराखंड के जल स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग कृषकों को मिल सके। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन मैकेनाइजेशन आदि योजनाओं का लाभ जिले के कृषकों को प्रदान किया जा रहा है। मैं जिले के समस्त कृषकों एवं इस वर्चुअल किसान मेले में प्रतिभाग करने वाले समस्त कृषकों का हार्दिक स्वागत करती हूं तथा आपसे अनुरोध भी करती हूं कि यदि आपकी कोई समस्या हो, किसी योजना के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई और समाधान आपको विभाग से चाहिए, तो आप विकासखंड स्तर पर विकासखंड प्रभारी कृषि तथा जनपद पर जनपद स्तरीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कृषि विभाग पूर्ण मनोयोग से आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेगा। धन्यवाद।